बहु मनोरथ साजू अभिसारे पहलू सुनील बेस ভালো আছে না বলো অনেকদিন ধরে এটা ডিউ ছিল অনেকদিনের ডিউ তাহলে লেবু দেন না May 2023 और मेरी आज की सुबह थी कुछ अलग सा क्योंकि आज है मेरी हैप्पी वाला बर्थडे। वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ विद दिस ब्यूटीफुल केक बाय मियो अमोरे। कल ही मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया था एंड सुबह ही रिसीव हो गया था। मुझे बहुत ही अच्छा केक था तो उसके बाद तो मैंने सब कुछ प्रिपरेशन कर लिया है क्योंकि आज मेरे घर पे होने वाला है छोटा सा एक बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी विद माई फैमिली मेम्बर्स एंड माई नेबर। सुबह से प्रिपरेशन चल रहा है क्योंकि सब कुछ हम लोग खुद से ही कर रहे हैं। मेरी फादर सब कुछ कुक करने वाले हैं क्योंकि उनको खाना बना के खिलाना काफी पसंद है लोगों को। स्टार्ट करती हूँ मीठे से और अभी मेरे फादर कुक कर रहे हैं खीर, बंगाली में बोलते हैं पायस, जिसके बिना जन्मदिन एकदम अधूरा होता है। अगर बंगाली हो पायस ना खाओ ऐसा हो ही नहीं सकता। आज एक लंबा चौड़ा मेनू है मेरी घर पे, लाइक फिश फ्राई जो कि मेरी फादर की एकदम सिग्नेचर डिश है। वो बहुत अच्छा फिश फ्राई बनाते हैं तो यहाँ पे सब कुछ उन्होंने प्रिपेयर कर लिया। पहले तो फिश को अच्छे से मैरिनेट करके रखना पड़ता है तो वही अभी मेरी फादर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे चिली चिकन और चिकन को अभी यहाँ पे फ्राई किया जा रहा है क्योंकि आज होने वाला है फ्राइड राइस, चिली चिकन, फिश फ्राई, चटनी एंड पायस और आइसक्रीम भी था। दैट्स इट। आज बहुत लोग आने वाले हैं अराउंड 30 to 35 एंड सिर्फ मेरी फादर, मदर और मैं काम कर रही हूँ तो उसके लिए बहुत ज़्यादा काम था। तो उसके बाद चिली चिकन ऑलमोस्ट हो गया था, अभी सिर्फ थोड़ा सा कुक करना बाकी था। काम आज बहुत ज़्यादा था, सुबह से शाम हो गया बट मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। टुडे वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ स्मॉल गेट टुगेदर विद इन माई फैमिली एंड कुछ इधर उधर नेबर मेरे आने वाले हैं। मैंने कोई भी कॉलेज फ्रेंड को नहीं बुलाया है, सिर्फ मेरी नेबर में जो एक दो फ्रेंड्स हैं उनको ही मैंने बुलाया है। एंड अभी बज चुका है ऑलमोस्ट 7, अभी तक मैंने नहाया नहीं है क्योंकि सुबह से मैं बाबा को हेल्प कर रही थी क्योंकि बहुत सारा काम था। लाइक 30 to 35 पीपल आर इन्वाइटेड टुडे एंड समझ ही पा रहे हो कि कितना ज़्यादा काम हो सकता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ क्योंकि मुझे सर्व भी करना है लोगों को एंड उसके लिए मैं क्या पहनूँ वही मैं सोच रही थी। पहले मैंने सोचा कि कुर्ती पहनूँ, देर मैंने सोचा कि साड़ी पहनूँ और अभी मैं सोच रही हूँ कि एक ड्रेस पहनूँ, एक ब्लैक कलर का ड्रेस है। आज की मेरी जो बर्थडे है वो बहुत सालों बाद हो रहा है। लाइक लास्ट मैंने जब सेलिब्रेट किया था बर्थडे दैट टाइम आई वॉज 16 years old एंड राइट नाउ आई एम 24 years old। तो अब समझ पा रहा हूँ कि मैं कितने दिनों के बाद बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ इस तरह। पहले मैंने एक केक ऑर्डर किया था 1 pound का, कल मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया था ब्लैक फॉरेस्ट एंड व्हाइट फॉरेस्ट का एक मिक्सचर में लव साइन वाला केक। आज सुबह मेरी कजन ब्रदर ने भेजा है और एक केक और मुझे और भी एक केक मिला, तो टोटल 3 केक है अभी तक। बाकी लोगों को मैंने बोला है कि केक मत लाओ बट आई डोंट नो क्या आज होने वाला है। तो चलो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ मेरी आज की लुक एंड देन फुल लुक शेयर करती हूँ और आज की ब्लॉग भी शेयर करती हूँ। तो चलो अभी मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। सबसे पहले बता देती हूँ ड्रेस मैंने कहाँ से लिया है। सो दिस इज़ फ्रॉम Amazon, लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आज मुझे शैम्पू करने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मैंने नहाया है शाम के 7:30 की 8 बजे क्योंकि बहुत लेट हो गया था, बहुत सारा काम था कुकिंग का। एनीवे तो अभी मैं मेरी हेयर को थोड़ा सा सेट करने वाली हूँ। पहले मैंने बी ब्लंट हीट प्रोटेक्शन यूज़ किया है, उसके बाद मैंने एक स्ट्रेटनर ब्रश यूज़ किया है जो कि है अगेन बी ब्लंट ब्रांड से। मुझे ये वाला ब्रश बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि इजी टू यूज़ है, बहुत कम टाइम लगता है एंड आई एब्सोल्युटली लव द प्रोडक्ट। मैंने दोनों साइड में पहले पार्टीशन कर लिया था, उसके बाद मैं दोनों साइड को ही अच्छे से स्ट्रेट कर लूँगी एंड देन आई एम गोना टाई माई हेयर क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है और गर्मी पे हेयर को खुला छोड़ना इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज कि मैं हेयर को टॉप बन करूँ या फिर पोनीटेल करूँ
या फिर क्या करूँ। उसके बाद मैंने एक बनाना क्लिप से अटैच कर दिया हेयर को। उसके बाद मैंने सिर्फ मस्कारा लगाया है, मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे आज गर्मी लग रहा था। मस्कारा लगाने के बाद मैंने आईब्रो को ड्रॉ किया है। जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ ऑल आर फ्रॉम अमेजोन पे मिल जाएंगे, क्योंकि अमेजोन पे आपको मेकअप प्रोडक्ट्स, फैशन रिलेटेड आइटम्स सब कुछ बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं। सभी प्रोडक्ट्स की लिंक मैंने डाल दिया है, आप प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। एंड हियर आई एम यूजिंग फेसेस कनाडा काजल, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड लॉन्ग स्टे भी करता है। मैंने इसको एज आई लाइनर यूज़ किया है और उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसको स्मच कर दिया है। और नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ एक लिपस्टिक। आज मुझे इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था ना कि मैंने ब्लश भी अप्लाई नहीं किया है, जो कि मैं यूजुअली करती हूँ। एंड देन आई एम यूजिंग फेसेस कनाडा लिपस्टिक, और पहली बार मैंने यूज़ किया है फेसेस कनाडा लिपस्टिक एंड आई एब्सोल्युटली लव द प्रोडक्ट। ट्रस्ट मी, आप डेफिनेटली इसको चेक कर सकते हो अमेजोन से। उसके बाद मैंने ईयरिंग पहना है। नाउ आई डोंट हैव एनी लिंक फॉर दैट, क्योंकि ये मेरी मामा ने मुझे गिफ्ट किया था, अंकल ने, और वही मैंने पहना है। एंड देन ये रिस्लेट भी मेरी मामा ने मुझे गिफ्ट किया था, ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो आई एम ऑलमोस्ट डन एंड हियर आई एम शोइंग माई लुक। बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि कहाँ से ये लिया है तुमने, एंड ये अमेजोन से है, लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। ड्रेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, मैंने एक बेल्ट भी एड ऑन किया है एंड आई एब्सोल्युटली लव द फिटिंग। आप भी इसको डेफिनेटली चेक कर सकते हो अमेजोन से, लिंक मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। That's all my today's look. अभी थोड़ी बहुत लोग आ गए हैं तो चलो अब केक कटिंग भी कर लेते हैं। बहु मनोरथ साजु अभी सारे पहलु सुनी ले बे। বেগুনি আসছে, ভেজিটেরিয়ান খাবার নাও, শশা খাও, মা তোমাকে ভালোবেসে শশা দিয়েছে। আর লেবু আছে, লেবু খা। উফ বলছি, আবার লাভলি ভালো আছে না বলো? অনেকদিন ধরে এটা ডিউ ছিল, ঝিলিক দিদি কেমন লাগছে? সবাই চলে আসি।